हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रियंका। मैं जा रही हूँ वैष्णो माता की यात्रा पे, तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी वैष्णो माता के दर्शन करें और इस पूरी यात्रा का मेरे साथ आनंद लें। हमारी जो ट्रेन थी वो पानीपत हरियाणा से कटरा, जो कि हिमाचल में है, वहाँ तक थी। रात लगभग 10:30 बजे की ट्रेन थी पानीपत से, और उसने हमें लगभग 8:30 बजे मॉर्निंग में हमें कटरा पे उतारा था। इस बीच आप ट्रेन में आराम से लेट भी सकते हैं, सफ़र काफ़ी लंबा है तो आप नींद भी ले सकते हैं, बट ट्रेन में जो है ना एसी की वजह से काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी। तो कोशिश करें कि जब भी आप एसी क्लास का रिज़र्वेशन करें तो साथ में कुछ लाइट वेट ब्लैंकेट ज़रूर लें। हमने ऐसा नहीं किया था तो इसीलिए हमें काफ़ी दिक्कत हुई थी। और अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप ब्लैंकेट वगैरह साथ में ज़रूर लें। जम्मू तवी से ही पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली है, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। बहुत ही सुंदर व्यू लगता है जब भी आप ट्रेन से अपने आसपास देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। चारों तरफ पहाड़ियाँ, नदियाँ, छोटे छोटे से गांव, बहुत ही अमेजिंग व्यू होता है। जम्मू तवी पहुँचते हमें सुबह हो गई थी, तो ये अर्ली मॉर्निंग का व्यू है, सन राइजिंग का व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने से। काफ़ी हरियाली चारों तरफ, दोनों तरफ ट्रेन के आप देख सकते हैं कि हरियाली हरियाली है। पहाड़ियों के बीच में से होते हुए ट्रेन निकलती है और ये मेरा बेटा मेरी गोद में सोया हुआ है, काफ़ी अच्छी नींद ले रहा है। सो बहुत अच्छा नज़ारा था दोनों तरफ ट्रेन के, बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में से होते हुए ट्रेन जो है वो क्रॉस करती है। और जो मौसम है वो भी काफ़ी चेंज हो गया यहाँ तक आते आते, क्योंकि पानीपत का टेम्परेचर काफ़ी हाई था, वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी, लेकिन यहाँ तक आते आते टेम्परेचर जो है काफ़ी अच्छा हो गया है और मौसम काफ़ी अच्छा है। बारिश से का मौसम है और ऐसे मौसम में जो होती है ना हरियाली काफ़ी अच्छी लगती है, तो अच्छा व्यू है। पहाड़ी इलाके में ही रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पे छोटी छोटी इस जो टनल है वो आती है बीच बीच में, तो उस टाइम पे जब टनल से ट्रेन क्रॉस करती है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ट्रेन में, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और उसके बाद फिर से वापस बाहर निकलती है, फिर से रोशनी होती है, ऐसे ही काफ़ी रास्ते में काफ़ी सारी टनल जो है वो आई है, छोटी छोटी सी टनल है बट अच्छा लगता है देखने से। We'll be right back.
ये वाली टनल बाकी टनल से थोड़ी ज्यादा लंबी है। वाली टनल इस पूरे रास्ते की सबसे लंबी टनल थी। काफ़ी टाइम तक ट्रेन में बिल्कुल अंधेरा जैसे हो गया था, अब थोड़ा रोशनी हुई है, वरना काफ़ी लंबी टनल थी। आपको यहाँ के ऐसा फील होता है कि जैसे आप कंप्लीटली नेचर की गोद में आ गए हो। चारों तरफ बिल्कुल ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट है।
बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ हरियाली है, छोटे छोटे से गांव है, बहुत अच्छे लगते हैं देखने से। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो पीपल रह रहे होंगे वो कितना अपने आप को अच्छे इन्वायरमेंट में फील करते होंगे, बहुत अच्छा व्यू लगता है देखने से। साइड में ना ट्रेन में मिरर होने की वजह से जो वीडियो है ना वो बिल्कुल क्लियर शूट नहीं हो रही है। अब क्या कर सकते हैं, मिरर तो हटा नहीं सकते, तो ऐसे ही वीडियो शूट करनी पड़ रही है, बिल्कुल क्लियर वीडियो नहीं आ पा रही है मिरर होने की वजह से। तो जी मेरा बेटा भी उठ गया है सो के, जैसी भी काफ़ी खुश है बाहर का व्यू देख के, उसको भी सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो जो पहाड़ और जो नदियां हैं उन सबको देख के काफ़ी खुश हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है बाहर का व्यू देख के।
घर इस पहाड़ी पे, एक दो घर इस पहाड़ी पे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे घर बने हुए हैं। तो इन घरों से जो यहाँ का नेचर है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो और ज़्यादा अच्छा लगता हो। कितना अमेजिंग व्यू इन घर से लगता होगा इस पूरे इन्वायरमेंट का। ऐसे सही से बोलेंगे, आ जाओ ऐसे बोलो, जय माता की, जय माता की। हाँ ऐसे बोलो, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जोरा लो फ्रेंड्स, ना 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 ना। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन, जो कि इस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज है। यहाँ से आगे जो है वैष्णो माता के मंदिर के लिए, वो पैदल
चढ़ाई करनी पड़ती है, या फिर आप और कोई ऑप्शन ले सकते हैं जैसे घोड़ा सवारी, बग्गी सवारी या हेलीकॉप्टर, कुछ इस तरह का आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो वो अलग है, लेकिन यहाँ से आप आगे पैदल सवारी करते हैं। तो ये इस पूरी यात्रा का लास्ट ट्रेन का स्टॉपेज है, और यहीं से ही सारी पुलिस वेरिफिकेशन भी स्टार्ट होती है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना आधार कार्ड ज़रूरी है, साथ ही जैसे अभी कोरोना का टाइम है तो आपको अपनी कोरोना रिपोर्ट भी ज़रूर साथ में लेके आनी है, वो भी रिसेंटली यानी कि 1-2 दिन के आसपास की, और साथ ही आपको वैक्सीन भी ज़रूर लगी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई, आपको कोरोना का टेस्ट नहीं किया हुआ, तो आपको भी यहीं कटरा रेलवे स्टेशन पर ही रोक लेते हैं, आगे नहीं जाने देते, फिर आपको यहाँ पर ही टेस्ट करवाया जाता है, आपको वैक्सीन लगवाई जाती है, उसके बाद आपको आगे भेजते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इससे ठीक है कि आप घर पर ही अपनी रिपोर्ट बनाकर आएँ, मतलब कोरोना का टेस्ट करवा कर आएँ और साथ ही वैक्सीन भी लगवा के आएँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाए और आप ईजिली आगे जा सकें। इसके बाद कटरा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद हमने जस्ट एक टैक्सी ली थी, जो कि होटल के लिए मतलब आपको प्रेफर किया जाता है कि आप इस होटल में जाओ, उस होटल में जाओ, उसी की टैक्सी वहाँ पे अवेलेबल होती है जो कि आपको उसी होटल में लेके जाती है। यहाँ हम गए थे, ये विजय इंटरनेशनल होटल करके है, इस होटल में हम गए थे, ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में है, और टैक्सी हमें यहीं पे लेके गई थी। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू है बाहर का, सामने काफ़ी हरियाली है, काफ़ी ग्रीन है बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है, ये विजय इंटरनेशनल होटल करके है। और हमारा जो इसमें जो रूम थे वो हमने 3 रूम सेट लिए थे, क्योंकि हम पूरी फैमिली के साथ गए थे अपने ट्रिप पे। यहाँ से उस पहाड़ी का व्यू भी साफ दिखाई देता है जहाँ पे हमें चढ़ाई करनी है, मतलब जहाँ पे माता का भवन है, जहाँ पे माता का मंदिर है, वहाँ का व्यू भी क्लियरली इस होटल से दिखाई देता है। आप सामने देख सकते हैं कि पहाड़ी के ऊपर माता का भवन जो है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने से ऐसे। और बाकी जो हेलीकॉप्टर की सर्विस है वो भी दिन में वहाँ पे कुछ टाइम फिक्स है उसका, मतलब ऐसे नहीं है कि आप किसी भी टाइम जाओ और किसी भी टाइम आप हेलीकॉप्टर ले लो, उसका कुछ टाइम फिक्स है, वो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, बट ये है कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर दिन में ना जिस टाइम आप पहुँचे तो उस टाइम काफ़ी हेलीकॉप्टर ऊपर घूम रहे थे, जैसे कि आप देख भी सकते हैं हेलीकॉप्टर जा भी रहे थे, वापस छोड़ के आ भी रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने से। ये मेरा बेटा होटल में ऑर्डर कर रहा है कुछ कुछ, उसको नया सा लग रहा है ये फ़ोन, क्योंकि यूजुअली ऐसे फ़ोन आजकल होते नहीं है, तो उसको कुछ अलग सा लग रहा है ये। और किससे बात कर रहे हो आप? होटल के बाद हम निकले हैं, लगभग 1 बजे के करीब हम निकले थे ऊपर चढ़ाई करने के लिए। यहाँ तक हम लोग होटल की टैक्सी से ही आए थे, होटल वाले जो होते हैं वो खुद टैक्सी प्रोवाइड करते हैं आपको स्टेशन से ले जाने के लिए भी, स्टेशन से आने के लिए भी, और उसके बाद यहाँ पे हमें टैक्सी ने ड्रॉप कर दिया था। अब हम जा रहे हैं ऊपर चढ़ाई करने के लिए, ये मैं सबसे पीछे हूँ, बाकी मेरी पूरी फैमिली आगे है। मास्क लगाना नेसेसरी है क्योंकि हर जगह पुलिस जो है वो चेकिंग पे बैठी है, आपको प्रॉपर मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। ये जहाँ से मेन यात्रा स्टार्ट होती है वो गेट है, इसके बाद आपकी अच्छी खासी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, मतलब आपके सामान की भी अच्छे से चेकिंग होती है और आपकी भी अच्छे से चेकिंग होती है। लेडीज़ की लाइन अलग है और जेंट्स की लाइन अलग है, आपको प्रॉपर पूरा चेकिंग प्रोसीजर फॉलो करना होता है, उसके बाद ही आप लोग आगे जाते हैं। तो ये यहाँ का सबसे मेन चेकिंग पॉइंट है एंट्री करते टाइम पे, और यहाँ पे भी पूरी सिक्योरिटी है, पूरी पुलिस फोर्स है, अच्छे से सारी चेकिंग होती है। आप अलग अलग लाइन में, एक साइड में जेंट्स और एक साइड में लेडीज़, जाके अपनी पूरी चेकिंग करानी होती है, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, अपने सामान को भी चेक करा के उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Thank you.
चेकिंग करने के बाद यहाँ से बाहर निकलते ही आपको या तो आपकी चॉइस, आप पैदल पूरा रास्ता कवर कर सकते हैं या फिर यहीं पर ही आपको घोड़े की सुविधा जो है वो मिलती है। यहाँ से आप अपने लिए घोड़ा कर सकते हैं, बगी कर सकते हैं या फिर पैदल जा सकते हैं। यहाँ से आपको चूज़ करना होता है कि आप किसके थ्रू आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, आप धीरे धीरे करके यहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं। मेरा बेटा अपने पापा की गोदी में, इसने भी पूरा इंजॉय किया, इस पूरी यात्रा को काफ़ी इंजॉय किया। ये आप मार्केट से होते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप हैं, फ़ोटो शूट के लिए भी हैं, बाकी और जो सामान है उनके लिए भी काफ़ी सारी शॉप हैं। मार्केट के बीच में से होते हुए ऊपर जाते हैं। जितने भी श्रद्धालु थे सभी में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था, सब बहुत खुश होकर माता का जय जयकार लगाते हुए सारे ऊपर चले जा रहे थे। कुछ तो मैं बताऊं, कुछ इस तरह के थे कि जिनको देखकर ये लग भी नहीं रहा था कि ये लोग इतना ऊपर तक की चढ़ाई कर भी पाएंगे कि नहीं, पर फिर भी वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे। कुछ काफ़ी हेल्दी थे, बहुत मतलब बहुत मोटे थे, शायद उनसे ये भी नहीं हो पा रहा था कि वो थोड़ी दूर भी चल पाएंगे, पर वो चल रहे थे। लगातार उन्हें इतनी एनर्जी मिल रही थी कि वो ये कर सकते थे। और साथ में कुछ ऐसे थे जो पैरालाइज थे या कुछ और ऐसा, छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब हर तरह के श्रद्धालु वहाँ देखने को मिलते हैं और इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं सारे के सारे माता के दर्शन करने के लिए। उनकी मतलब एक्साइटमेंट देखने के लायक होती है, इतना खुश होते हैं वो सारे, जय जयकार लगाते हुए सारे ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। और उन श्रद्धालुओं से दूसरे श्रद्धालुओं को भी काफ़ी एनर्जी मिलती है, बहुत ही अच्छा इंजॉयमेंट होता है और बहुत ही एनर्जेटिक सफ़र है ये, काफ़ी अच्छा लगता है।
अर्धकुमारी पहुंचने से पहले की चेकिंग पोस्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि रास्ते में जगह जगह पर चेकिंग पोस्ट है और आपको बार बार चेकिंग से होके गुजरना पड़ता है। तो अर्धकुमारी पहुंचने से पहले का ये चेकिंग पोस्ट था, ये वैष्णो माता और कटरा के बीच जो अर्धकुमारी पड़ता है बिल्कुल बीच में, तो वहाँ का व्यू है ये। यहाँ से जो है अर्धकुमारी बिल्कुल जस्ट सामने है और उसके बाद आप वैष्णो माता के भवन के लिए दोबारा से चढ़ाई चढ़ते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ टाइम के लिए रेस्ट भी कर सकते हैं, अच्छा प्लेस है रेस्ट करने के हिसाब से भी। और बाकी मैं बताऊँ तो पूरे रास्ते गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ की हुई है, पानी की ले लो, आप रेस्ट करने के लिए ले लो, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है पूरे रास्ते, आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं लगती। आप अच्छे से अपना अपनी यात्रा जो है अच्छे से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है सारे रास्ते में। ये अर्धकुमारी जाने का रास्ता है, यहाँ से आप डायरेक्ट अर्धकुमारी जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप वगैरह भी हैं, आप अगर कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और मैं बताऊँ अगर आपको तो सारे रास्ते जो है ना थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे माइक लगे हुए हैं जिनमें लगातार जो है माता के भजन उनमें चलते रहते हैं, साथ में कुछ अनाउंसमेंट उनमें होती रहती है, तो आप अवेयर होते रहते हैं हर चीज़ से कि इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम आरती हो रही है या फिर कुछ और अनाउंसमेंट हो, किसी और ज़रूरी किसी बात की अनाउंसमेंट हो, तो वो सारी चीज़ें आपको सारे रास्ते थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको पता चलती रहती हैं और भजन भी आपको सुनते रहते हैं। इससे क्या होता है आपको और एनर्जी मिलती है अपनी यात्रा को करने के लिए और उत्साहित होते हैं आप अपनी जो माता वैष्णो की जो यात्रा है उसको करने के लिए, आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं इस तरह के भजन अगर आपको रास्ते बीच में सुनते रहें। ये जो व्यू है ये पूरा अर्धकुमारी का व्यू है, काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे थे। यहाँ से आप वैष्णो माता के डायरेक्ट भवन के लिए चढ़ाई करते हैं, यहाँ पे रेस्ट करने की भी काफ़ी स्पेस है, आप जैसे नीचे से काफ़ी चढ़ाई करके आते हैं तो यहाँ पे आप रेस्ट करने के बाद आगे का सफ़र अपना तय कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि धर्मशाला या अन्य स्थान पर विश्राम करते समय अपने कीमती सामान केशवर देवराज का साथ ध्यान रखें, चोरों और जैन तत्वों से सावधान रहे। श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि दर्शन करते समय अपना कीमती सामान लावारस न छोड़े, क्योंकि लावारस सामान चोरी भी हो सकता है। अपने सामान के पास अपने परिवार के किसी सदस्य को बैठा कर रखें और किसी अजनबी आदमी पर भरोसा न करें। श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि जो श्रद्धालु अपना सामान निकाल लें, क्योंकि आने वाले श्रद्धालु को भी ग्राहकों की सुविधा मिल सके। श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि यात्रा के दौरान अपने परिवार को अपने साथ साथ रखें, अपने छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अपने से अलग न होने दें। श्रद्धालुओं को ये भी सूचित किया जाता है कि यात्रा के दौरान घोड़ा और पिता और पालकी की सेवा लेते हैं, उनका नाम और नंबर पूरा पूरा पता अपने पास नोट रखें, क्योंकि इतनी दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। ये रास्ता है जो कि आगे भवन की तरफ जाएगा, एक छोटी सी
मतलब टनल टाइप में कुछ बनाया हुआ और इसके इसमें से निकलते हुए आप आगे का सफ़र तय करते हैं। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो ये कुछ इस तरह की टनल है, यहाँ से क्रॉस करते हुए आप आगे का सफ़र तय करते हैं। पूरे रास्ते में जो ऊपर की साइड है वो टीन शेड डला हुआ है ताकि आप धूप से बारिश से बचे रह सकें। साइडों में जो है वो अच्छे से ग्रिल लगी हुई है, नेट लगी हुई है ताकि आपको पहाड़ी से गिरने का कोई इस तरह का डर ना रहे। तो काफ़ी अच्छी जो है सुविधा ये पूरी की हुई है पूरे रास्ते में। पानी की काफ़ी अच्छी सुविधा है, आपको बीच बीच में चाय कॉफ़ी के लिए स्टॉल लगे हुए हैं। एटीएम भी रास्ते में कहीं कहीं पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर एटीएम था तो हम यहाँ पे रुके थे कुछ टाइम के लिए। तो ऐसी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको पूरे रास्ते मिलती हैं, इससे क्या होता है आपकी जो यात्रा है वो और आसान हो जाती है, आपको अच्छा लगता है। कोई जब कोई परेशानी आपको अपनी यात्रा करते टाइम ना आए तो और ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स करो, हेलो फ्रेंड्स करो, हेलो फ्रेंड्स, ऐसे ही पूरा ध्यान रखें। आपकी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपका यात्रा के दौरान मास्क पहने रहना अनिवार्य है। पूरे रास्ते ये अनाउंसमेंट बार बार हो रही थी कि आपको मास्क लगा के रखना है, अपनी सेफ्टी रखनी है, और पुलिस चेकिंग भी रास्ते में बार बार हो रही थी, हर जगह पुलिस खड़ी थी स्पेशली मास्क चेक करने के लिए। तो मास्क तो बिल्कुल भी उतार नहीं सकते थे, और शायद ये सही भी है, अपनी ही सेफ्टी है, तो मास्क लगाना तो बहुत नेसेसरी था उस पूरी यात्रा के टाइम पे। यहाँ कहीं कहीं लंगूर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर कहीं कहीं लंगूर भी है यहाँ पे। वैष्णो माता का भवन स्टार्ट होता है, मतलब ये यहाँ पे भी अगेन चेकिंग था, मतलब पूरा प्रोसेस था चेकिंग का कि आप अपने सामान की भी चेकिंग कराएं और अपनी भी चेकिंग कराएं। उस प्रोसेसर को फॉलो करने के बाद आप आगे निकलते हैं। 1 बजे हमने चढ़ाई करना शुरू किया था और लगभग शाम को 6 बजे हम लोग ऊपर भवन पर पहुँच गए थे, लेकिन ये टाइम आरती का टाइम होता, तो आरती के टाइम क्या होता है दर्शन करने की परमिशन नहीं होती है। दोबारा जब 9 बजे दरबार खुलेंगे तब आपको दर्शन करने की परमिशन मिलती है। तो इसी बीच जो है हम लोगों ने अपना नहाने का या फिर कपड़े चेंज करने का वो सारा काम कंप्लीट कर लिया था और जल्दी से हम लोग लाइन में लग गए थे। लाइन में लगने से पहले आपका पूरा सामान जो है वो जमा हो जाता है, उसके बाद आपको कोई फ़ोन रखने की या कुछ भी रखने की आपको परमिशन बिल्कुल
भी नहीं होती है। तो उसके बाद का वीडियो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन नहीं था। तो उसके बाद हमने लगभग 10 बजे के करीब हम लोगों का दर्शन हुए और 12 बजे के करीब हम लोग दर्शन करके बाहर निकले। उसके बाद मैं थक इतनी गई थी, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो इतना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था कि मैं वापस आते टाइम भी पैदल आऊँ। तो वापस आते टाइम मैंने घोड़ा सवारी की थी, उसी के साथ मैं नीचे आई थी। लगभग 3-4 बजे के करीब, सुबह के 3-4 बजे के करीब हम लोग नीचे उतरे थे। मैं और जस्सी दोनों घोड़े से हम लोग नीचे आए थे। थोड़ा रिलैक्स लगा था घोड़े से आने से क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। ये सुबह का है, मॉर्निंग का, जब हम लोग होटल से मार्केट के लिए शॉपिंग पे गए थे। तो ये सुबह का टाइम का है और अच्छा खासा मौसम हो गया था, बारिश का मौसम हो गया था, हल्की हल्की सी बारिश आ रही थी, ज़्यादा तो नहीं थी बट मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, ठंडा मौसम हो गया था। यहाँ की मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी सारी प्रसाद की दुकानें भी है, मतलब आप अपने घर के लिए अलग अलग तरह का प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप है प्रसाद के लिए। मार्केट से होने के बाद हम लोग सीधा स्टेशन गए जहाँ से लगभग दोपहर 2 बजे की हमारी ट्रेन थी कटरा टू पानीपत, और जिसने हमें अगले दिन सुबह लगभग 3 बजे के करीब हमें पानीपत रेलवे स्टेशन पे उतारा था। तो ये थी मेरी पूरी वैष्णो माता जी की यात्रा। होप सो आप सभी ने भी मेरे साथ में काफ़ी इन्जॉय किया होगा। माता रानी आप सभी की मदद करें, सभी को आशीर्वाद दे। लगभग 15 किलोमीटर की ये चढ़ाई थी और इस पूरी यात्रा में बहुत ही भक्तिमय माहौल बना रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।